हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आज की कहानी है तोसिया का सपना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन तोसिया ने सपना देखा। तोसिया बहुत सपने देखती है। वह उठकर सपनों के बारे में बात भी करती है। तोसिया को सपना आया कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हैं, कहीं कोई रंग नहीं बचा। उसने देखा कि सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। तोसिया उठी और सपने को याद करने लगी। वह एकदम से घबरा गई। तोसिया सोचने लगी कि क्या सचमुच रंग गायब हो गए हैं। तोसिया रसोई में गई। वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे मसाले रखे हुए थे। लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, मेथी। तोसिया उठकर बाहर बगीचे में गई। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गेंदा, चमेली, सदाबहार, गुलाब, सूरजमुखी। तोसिया ने देखा कि उसके कपड़ों में रंग हैं, मम्मी पापा के कपड़ों में भी रंग हैं, घर में भी खूब सारे रंग दिख रहे थे। तोसिया मम्मी के साथ बाज़ार चल पड़ी। वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियाँ थीं, गाजर, बैंगन, टमाटर, सेम, मटर। बाज़ार में पतंग की दुकान भी थी। दुकान में खूब सारी रंग बिरंगी पतंगे थीं, काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी। मम्मी चुन्नी की दुकान पर गई। वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी चुन्नियाँ थी, गुलाबी, बैंगनी, फिरोजी, आसमानी, भूरी। बाज़ार में गुब्बारे वाला खड़ा हुआ था। उसके पास खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे, नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी। तोसिया ने खूब सारे रंग देखे। वह खुश हो गई कि रंग गायब नहीं हुए हैं। वह रंगों को गिनने लगी। तोसिया घर आकर दोपहर को सो गई। उसने उठकर देखा कि नानी की सहेलियां आई हुई हैं। उन सब के बाल सफ़ेद सफ़ेद हैं। तोसिया को एक बात याद आई। वह रात को नानी के साथ सोई थी, इसलिए सपने में सब सफ़ेद सफ़ेद दिखा होगा। तोसिया नानी के बालों को गौर से देखने लगी। वह नानी के बालों को छू छू कर देखने लगी। तोसिया सोचने लगी कि नानी के बाल सफ़ेद क्यों हैं। उसने नानी से पूछा कि उनके बालों का रंग कहाँ गया। नानी बोली कि पहले उनके बाल भी काले थे, फिर उनके बालों का रंग तोसिया के बालों में चला गया।